कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अरना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। दोनों जिसको जिससे पूछे वही बोले। सिद्ध साधन अकिंचित कर क्या है? उसे जो पहले से ही सिद्ध हो उसी हेतु को फिर से दिया जाए, वो तो पहले ही से सिद्ध था। हाँ, जब अग्नि गर्म होती है तो वो तो गर्म है ही। व्यवहार नए किसे कहते हैं? प्रवेशिका के अनुसार संग्रह नय के द्वारा क्रिय हुए संगीत पदार्थों में भेद डालता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। उपचरित असद्भूत नय किसे कहते हैं? उपचरित असद्भूत न, उपचरित असद्भूत अत्यंत अत्यंत भिन्न पदार्थों में से अभेद रूप जिसका वो होता है ग्रहण किया जाता है। अत्यंत भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण किया अभेद रक्षा करता है उसे असद्भूत। जैसे हाथी, घोड़ा, मकान, ठीक द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? आगामी परिणाम की योग्यता रखने को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। ठीक। अग्रु लघु गुण किसे कहते हैं? यहाँ प्रवेश का में और हाँ दोनों, जो अपने की द्रव्य की द्रव्यता कायम रखता है और अन्य द्रव रूप नहीं होने देता, और वस्तुत्व द्रव्य में और द्रव्य अगुण तुण में क्या अंतर है? एक वस्तु की अर्थ क्या है? अपने स्वभाव को अन्य स्वभाव रूप नहीं करता, अर्थ क्रिया को कायम रखता है। चलो कहाँ थे, कौन सा था? आहारक शरीर हो गया था। आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठे गुण स्थान वर्ते मुनि को
तत्वों में कोई शंका आदि होने पर केवली और केवली या शुद्ध केवली के निकट जाने के लिए मस्तिष्क में जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। छठे गुणस्थान नियम से एक ही गुणस्थान है, इसका छठा गुणस्थान है। इसका बंद तो ऊपर तक होता है, बंद प्रक्रिया आठवें गुणस्थान तक चलती है, लेकिन इसका उदय नियम से छठे गुणस्थान। जब तक इसका उदय रहेगा तब तक मुनिराज का छठा गुणस्थान ही रहता है, क्योंकि इसमें छठा गुणस्थान इसलिए है क्योंकि जिज्ञासा है। जिज्ञासा होने से उसका अप्रमत्त गुणस्थान नहीं बनेगा। अप्रमत्त गुणस्थान निर्विकल वाले का बनता है, निर्णीत विषय का बनता है। हालांकि प्रवृत्ति पड़क भी सप्तम गुणस्थान होता है, लेकिन उसमें जिज्ञासा नहीं होती, निर्णय होता है। तत्व ऐसा ही है, ऐसा सिद्धांत करके जो चिंतन कर रहे हैं वो छठ सप्तम गुणस्थान में जा सकते हैं। ये जीव को मैं बचा रहा हूँ, जीव को बचा रहा हूँ कि इच्छा हो रही है तो छठा गुणस्थान, लेकिन बचाने की जो भाव किया भाव हो रहा है बचा रहा है सप्तम गुणस्थान। क्या मैं जीव को बचाऊँ? छठा गुणस्थान प्रश्न जिज्ञासा जितनी भी हैं सब छठे गुणस्थान। सप्तम गुणस्थान वर्ती को कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, निर्णीत होता है विषय, इसलिए उसे अप्रमाद का अर्थ मात ध्यान में बैठना नहीं है। अप्रमाद का अर्थ जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की उसकी चूक नहीं है, भूल नहीं है, निर्णय भाव आएगा, निर्णय किया हुआ भाव। वस्तु ऐसी ही है, वो चिंतन कर रहा है वस्तु धर्म अधर्म जीव द्रव्य आदि ज्ञान दर्शनमयी हैं, निर्णय हो गया। ऐसा जीव सप्तम स्थान में पहुंच सकता है। क्या जीव है यह है? प्रमाद गुण स्थान हो गया, जिज्ञासा हो गई। ऐसा आहारक शरीर नहीं, स्पष्ट निषेध किया ना, नाम लेकर लिया आहारक वृद्धि आदि नहीं निकल सकते, क्योंकि इसके लिए विशुद्धि एक अलग प्रकार की विशुद्धि चाहिए। तेजस कार्मण शरीर किसे कहते हैं? औदारक वैक्रियक शरीर को जो कांति देने वाला है वह तेजस शरीर कहलाता है। अब कांति का अर्थ क्या रह रहा? चमकदार, तेज यानी चमकदार, नहीं चमक से ही मतलब नहीं है तो फिर तो जो काले पीले से जीव हैं इनका तेजस क्या रहेगा? तेजस का अर्थ होता है ओज, काले में भी ओज होता है, काला है लेकिन एक ओज होता है। और तेजस शरीर की अनुभाग शक्ति जिनकी कम होती है उनके शरीर में तेजस नहीं रहता, मुरझाया हुआ रहता है, सूखा हुआ रहता है। ऐसा एक इंद्रियों के भी है, ये सभी जीवों के पाया जाता है। तेजस शरीर कांति देता है। अब अभी आगे आएगा आधे और कांति, तेजस शरीर में बहुत अंतर है। आधे यानी अच्छा लगता है, कांति है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, पर अच्छा लगता है, आकर्षित करता है। आधे वो कर्म का उदय है और ये तेजस में क्या है? उसमें तेज देता है। तेज का अर्थ आकर्षण नहीं, तेजस शरीर बहुत अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अब जैसे बहुत होगा, बहुत तेज हो लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तेज का अर्थ होता है ऊष्मा भी होता है। तेज का अर्थ क्या? ऊष्मा, शरीर में जो गर्माहट है ये किस कारण से है? तेजस शरीर के
उष्णाम कर्म से नहीं, उष्णाम कर्म से तो बुखार आ दिया था, जो सामान्य रूप से जो गर्मी बनी रहती है यह तेजस शरीर के माध्यम से होती है। क्या उनके शरीर में भी तो है तेज, तेजपना तो है ही, संचार तो उसमें हो रहा, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन उसमें भी हो रहा है और उनकी कांति भी है उसमें भी दिखता है तेजस। अच्छा बुरा लगना अलग चीज है, जैसे कुछ देव हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते लेकिन फिर भी अच्छे हैं, जैसे तुम्हारे पंचकण के बारे में दिखाए जाते हैं ना, ऐसे भी अंतर आदि होते नहीं हैं, काले पीले भी बस दिखाए जाते हैं, ऐसे उनका शरीर नहीं होता, वो तो बहुत सुंदर होते हैं, भली भी अंतर है तो क्या हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। और वो दिखाते हैं, ये तो विक्रिया करते हैं डराने के लिए, नरक आदि में जब जाते हैं तब समचतुर संस्थान नहीं होता, संघन नहीं होता। देव नारकियों में और एक इंद्रियों में संघन नहीं होता, संघन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हड्डी शुरू होती है, मनुष्य के संघन संस्थान सब में होता है, चारों का आयु गतियों के जीव संस्थान होते हैं, समचतुर संस्थान उनका होता है और नारकियों का हुंडक संस्थान ही होता है और एक इंद्रियों का संस्थान नहीं होता, संघनन भी नहीं होता, अनिर्दिष्ट संस्थान। एक इंद्रियों कैसा है, अनिर्दिष्ट संस्थान होता है, उनका छह संस्थानों में से कोई नहीं, संघनन भी नहीं होता उनके। महाराज जी, जो आहारक शरीर में तेरे शरीर का वो नहीं होता, आहारक शरीर को नहीं लिया इन्होंने, बैक्टीरिया और अवधारिक दो शरीर ही दिए हैं, आहारक शरीर में नहीं होता। तेजस नाम कर्म का लिया नहीं है, होना तो चाहिए आहारक शरीर में भी तेजस नाम कर, क्योंकि जिस समय आहारक शरीर का उदय होता है उस समय औदारिक शरीर का उदय नहीं होता, यदि औदारिक शरीर का उदय नहीं होता है तो फिर तेजस शरीर का उदय तो मानना चाहिए। हालांकि आहारक शरीर आंखों से देखने में नहीं आता इस अपेक्षा से शायद कहा हो, लेकिन तेजस शरीर होता है। लेकिन ओ कहते तो यही है, शुभम अभ्याघाती चार का प्रमत संयता सही हो, शुभम है, शुभ होता है, शुभ है, अभ्याघात है, सूक्ष्म है, देखने में नहीं आता, लेकिन तेजस नाम कर्म का उदय नहीं है, सुबह नहीं, तेजस नाम कर तो अनादि संबंध कार्मण शरीर के साथ भी तेजस है, उस समय भी तेजस है, अब वो आंखों से देखने में नहीं आ रहा है इस अपेक्षा से कह दिया हो वो बात अलग है, क्योंकि औदारिक व्यक्रिया तो आंखों से देखने में आते हैं। औदारिक व्यक्रिया से कांति देने वाले तेजस शरीर की वर्गना जिस वर्गना से बनता है उस वर्गना को तेजस वर्गना कहते हैं। अब यहाँ वर्गनाओं का से चल रहा है या शरीर का चल रहा है, अब यहाँ देखो दो चीज, और आहार वर्गना के मंबन हो तो औदारिक व्यक्रिया इन तीन शरीर रूप वर्गना प्रणंत उसे आहार वर्गना कहते हैं। अब औदारिक शरीर, व्यक्रिया शरीर, आहारक शरीर और तेजस शरीर कहना चाहिए थे यहाँ, तेजस और कार्मणम, तो तेजस शरीर, अब तेजस वर्गना अलग कह दिए, तेजस शरीर अलग है और तेजस वर्गना अलग है, तेजस एक नाम कर्म का भेद है और तेजस वर्गना जो है ये सामान्य जो नौ कर्म ग्रहण करता रहता है, पर यहाँ होना चाहिए थे जिस वर्गनाओं से तेजस शरीर का निर्माण होता है, बंद होता है या कर्म होता तो अच्छा था। भाषा वर्णना किसे कहते हैं, जो शब्द रूप प्रणम थी उसे भाषा वर्णना कहते, ठीक है, ये कौन सी वर्णना है, भाषा वर्ण, तो भाषा वर्णना है, तो भाषा वर्णना तो जीव के मुख आदि तालु आदि से बनती हैं,
अब यहाँ अब जो भाषा वर्णा है, जो बोली जाती है, बोलने में आती है, वो अलग से भाषा वर्णा है। ये ध्वनि मात्र को भाषा वर्णा, तत्व वितर मेघ नदी आदि, ये भी भेद हैं। हाँ, तार बज कानों में, जो जो कानों का विषय है वह सब क्या है? भाषा वर्णा है। अब यहाँ वर्णाओं का अर्थ मात्र जीव के द्वारा ही बनता है। दो पुद्गल भी टकरा गए तो भी आवाज़ आएगी कि नहीं? घंटा बज रहा है तो घंटा तो पुद्गल है, जड़ है, फिर भी आवाज़ आ रही कि नहीं? तो ये सब तो, लेकिन विशेष रूप से भाषा वर्णा वही है जो जीव वचनों के लिए ग्रहण करता है, उसी को भाषा वर्णा कहना। जो शब्द रूप, क्या विशेष कहा? शब्द रूप जो वर्णन करे वही भाषा वर्णा है। अब शब्द रूप वर्णन कब करती है? एक अक्षरी और एक अनक्षरी। ये ठक आदि जो भाषाएं हैं ये क्या है? अनक्षरी है, लेकिन इसमें भी अक्षर है। हाँ भाई सर, लेकिन इसमें भी शब्द है। घंटा तो उसमें क्या सुनाई क्या हो रहा? टन न टन 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 टा और ना सुनाई पड़ा अपन को। कान तो कहता है हम तो शब्द ही सुनेंगे, शब्द ही पड़ता है, लेकिन यहाँ वर्णा शब्द जो आया है वो वर्णा किस रूप में आया है? जीव के द्वारा जो शब्दों का निर्माण हो उसे बोलते हैं वर्णा। अक्षर में और शब्द में अंतर है। अब टन टन का अर्थ क्या है बताओ? और जीव बनाता तो शब्द कोई ना कोई अर्थ बनाता, वो टन टन को नाम रख देता, भाई इसका नाम टन टन गोपाल है। टन टन कर देते, कोई क्या नाम कर दिया, नाम ही तो करना है। टन टन गोपाल कहते हैं, टन टन गोपाल कहते हैं, टन टन को बनाने कुछ भी नहीं। हाँ, और तो मनुष्य जब बनाएगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। भाषा वर्णा, मनोवर्णा किसे कहते हैं? जो द्रव्य मन रूप परिणमते हैं उसे मनोवर्णा कहते हैं। जो द्रव्य मन रूप परिणमन करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। द्रव्य रूप भाव मन में और द्रव्य रूप मन में अंतर है। द्रव्य मन जो है जैसे आँख कान नाक आदि है ना, ऐसे ही हृदय के नीचे अंतिम हड्डी के नीचे, अंतिम जो हड्डी है नीचे वहाँ मध्य में ऐसा ऊपर की तरफ मुख किया हुआ एक अंगुल के असंख्यात्म भाग आकार होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य मन। यही सभी आचार्यों ने माना है, लेकिन उज्ज्वल अकलंग स्वामी अनिर्दिष्ट मानते हैं। कहीं भी उत्पन्न हो जाता है, यहाँ उपयोग हो जाए वहाँ मन की रचना हो जाती है, मिट जाती है, हो जाती है, उठ जाती है। ये मात्र अकलंग स्वामी मानते हैं और कोई आचार्य नहीं। हाँ, वो कहते हैं कहीं भी रचना हो सकती, जहाँ उपयोग जाए। नहीं, द्रव्य मन की तो कह रहा हो, द्रव्य मन कहीं भी जहाँ उनका उपयोग टिक जाए वहीं मन की रचना हो जाती। भाव मन तो क्या क्षय समरूप होता है, भाव मन में कोई वर्गना नहीं होती। भाव मन तो अपने ज्ञान के उपयोग की दशा का नाम भाव मन है। भाव मन अलग से कोई चीज नहीं है, ज्ञान के क्षयोपम का नाम भाव, भावेंद्रीय उपयोग भावेंद्रीय, ऐसा है ना सूत्र? हाँ, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। तो लब्धि उपयोग यानी जो उपयोग अपना है ज्ञान दर्शन, वही भावेंद्रीय है, वही भाव मन है। उसके लिए वर्णनाओं की कोई जरूरत नहीं है, ये सब द्रव्य की भाषा है। ऐसे बताते हैं वो अकलंग स्वामी, तो यही कहते हैं कहीं भी रचना हो जाती है, तुरंत होती है, तुरंत मिट जाता है। लेकिन सभी किसी भी अन्य आचार्यों को ये बात मान नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने जल्दी सोचने में आ जाएगा मन, इतने जल्दी उपयोग करने में आ जाएगा, वो ऐसे मानते बन नहीं रहा, पर उन्होंने बनाया है। नहीं तो मन की फिर संरचना होगी, फिर उसके बाद उसका उपयोग होगा।
मगर तुरंत रस जाता है, तुरंत बन जाता है, मिट जाता है। पर ये जाना अच्छा है कि हृदय में अष्ट पांखुड़ी वाला रहता है, जब जैसे आँख कान नाक हैं ऐसे द्रव इंद्रिय भी हैं। तेजस और कार्मण शरीर किसे कहते हैं? तेजस कार्मण शरीर कार्मण वर्णा किसे कहते हैं? जो शरीर रूप परिणमती हैं उस कार वर्णा को कार्मण कार्मण शरीर रूप परिणमती हैं। महर्षि द्रव्यमन करता क्या है? महर्षि द्रव्यमन करता क्या है? इन आँखों का उपयोग क्या है? देखना, देखना। वो सोचने में काम आता है। जब भी व्यक्ति सोचेगा तो उसी मन से सोचेगा। देखने वाली तो आत्मा है लेकिन वो आँखों से देखता है। सोचने वाला तो अपना ज्ञान है, जीव है, लेकिन वो द्रव्य मन से सोचेगा। द्रव मन डिस्टर्ब हो गया तो पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। ऐसे आँख खराब हो जाए तो अपन को देखना मन बंद हो जाता है, लेकिन आँख में देखने की शक्ति तो अंधे के पास भी है। सोच रहा है लेकिन द्रव्य मन बिगड़ गया। ऐसा अब यहाँ कार्मण वर्णा कह रहे हैं, कार्मण स्वरूप जो प्रणमन करती है वह कार्मण वर्णा है, ये तो बिल्कुल परिभाषा ठीक नहीं। कार्मण वर्णाएं जो कर्मरूप प्रणमन करती हैं, कर्मरूप प्रणमन करने वाली को कार्मण वर्णा कहना यही सही होना चाहिए। और कार्मण वर्णा और फिर कार्मण शरीर में क्या अंतर रहा? ज्ञानामरण आदि अष्टकर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। वाह, फिर वही दोष आ जाएगा। कार्मण शरीर तो अलग एक नाम कर्म है, उसकी स्थिति है, अनुभाग है, बंद है, सब है उसका अलग है, स्वतंत्र है वो, तो उसकी स्थिति है अन्य कर्मों की अपेक्षा से। कार्मण शरीर की कितनी स्थिति है वो सब कही, औदारिक की स्थिति, वैक्रियक की स्थिति, कार्मण की, तेजस की, सबकी बंद स्थिति कही अलग अलग। तो ज्ञानावरणी का समूह का कैसे नाम हो जाए? ज्ञानावरणी आदि कर्मों के समूह को जो आश्रय देता है वह कार्मण शरीर है। ज्ञानावरण आदि के समूह को यदि कह देंगे तो फिर कार्मण शरीर अलग नहीं होना चाहिए। कर्म के युग परिणमन करने वाली सामर्थ्य को कह सकते क्या? हाँ? कार्मण वर्गणा जो उन्होंने कहा है, कर्म के रूप में परिणमन करने वाली जो, वही है कर्म रूप जो परिणमन करती हैं वे कार्मण वर्गणाएं कहलाते हैं। परिभाषा तो यही थी समय, कर्म रूप कौन सी वर्गणा परिणमन करती है? तो कार्मण शरीर, कार्मण जो वर्गणाएं हैं वे ही कर्म रूप परिणमन करती हैं, तो वो सही है। सारे कार्मण शरीर की परिभाषा भी ठीक नहीं दी। ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों के समूह को समूह ना कहते, ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों के समूह को जो आश्रय देता है वह कहलाता है कार्मण शरीर। यही द्रव्य के संबंध में आया था। तेजस और कार्मण शरीर किसके होता है? सभी तेजस कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के होता है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य रूप गति रूप परिणम जीव और पुद्गल के गमन करने में जो सहकारी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे चलती हुई मछली की जल, जो द्रव्य संगर में आया ना, तो यह जय मच्छाणम गच्छन्ति ये सो नई, एक गाथा आई है उसमें, तो यह जय मच्छाणम गच्छन्ति ये सो नई ऐसे। जैसे मछली के लिए जल सहायक है, वैसे ही जितने भी अपन जो हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, ये सब किसके कारण है? आत्मा में जो नाड़ी भी चल रही है वो किसके कारण है? श्वास जो चल रही है वो भी, हाँ, धर्म द्रव्य नहीं होता तो ना श्वास चलती ना नाड़ी चलता, अपने शरीर में धमनियों में जो खून बह रहा है ये कौन से कौन किनके सहारे? धर्म द्रव्य। जो कुछ भी हो रहा है, अपन पलक भी झपकाएं, ओंठ भी चलाएं, तो सब धर्म द्रव्य के कारण होता है। हाँ, धर्म द्रव्य सहायक है इसमें सब में। अधर्म द्रव्य जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप प्रणमन जीव को पुद्गल स्थिति को सहकाय छाया जय पहियाणम गच्छन्ता नेवसो धरेई,
ठहरते जीव, यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? नहीं, अपन लोग अभी चलते फिरते नजर आ रहे, पढ़ रहे हो तो चलते फिरते, मुंह तो बंद होता ही नहीं। सब चलते रहते, सब माइक भी साथ में चल रहा होता। बनती नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनती। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो कोई भी चीज, पुद्गल टकराहट कितनी होती, विस्फोट कितना होता, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं से टकराएंगे। हाँ, लेकिन प्रकृति, प्रकृति फिर कोई सिस्टम बनाती, वन वे ट्रैफिक बनाना पड़ता, बीच में कोई घुस जाए तो विस्फोट। जैसे ज्योतिष देवों में है ना, वन वे ट्रैफिक है, इसलिए नहीं टकराते वो, क्योंकि फिक्स है, सबकी गति फिक्स है, एक एक प्रदेश भी इधर उधर नहीं होते। यदि कहीं से भी चल जाए, जैसे भारतीय सड़कों पे, तो अभी तो ज्योतिष वो सब टकरा करके चूर हो जाते हैं, एक गति से चलते हैं निरंतर, पूरा ब्रह्मांड चलता है। महाराज, सिर्फ विग्रह गति में भी तो अनंत जीवों का एक साथ आना जाना हो रहा। अरे होता है, एक दूसरे में चले जाते हैं वो तो, परम परम सूक्ष्म एक दूसरे में से जाते, अपने शरीर में से कितनी आत्माएं निकल रही प्रतिदिन, अनंत विग्रह गति में। ऐसा तीन लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कार्मण शरीर वाले जीव ना हो। कितने जीव औदारिक शरीर वाले अपने शरीर में से निकल रहे हैं प्रतिदिन, अनंत जीव औदारिक शरीर वाले तेजी के साथ। बॉम्बे जनसंख्या तो कम है, इतनी तेजी से अपने शरीर में से जीव निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का भी औदारिक शरीर है कि नहीं है? तो जब औदारिक शरीर ही प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो रहा है तो कार्मण शरीर तो उससे भी सूक्ष्म है, अनंत सूक्ष्म है। कार्मण शरीर, कार्मण शरीर से भी नहीं टकराता। समूह सबके अनेक कार्मण शरीर में से भी कार्मण निकल जाता है, वो एक दूसरे को बाधा नहीं देता है। परम परम सूक्ष्म का अर्थ यही होता है, ना बाधित होता है ना बाधित करता है। औदारिक शरीर में ये विशेषता है, औदारिक शरीर को परम परम सूक्ष्म नहीं कहा, सूक्ष्म कहा है, स्थूल है। औदारिक शरीर तो स्थूल है, पर सूक्ष्म तो है, उसके बाद व्यक्तिक उससे सूक्ष्म है। सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं कि नहीं? होते हैं। उनका कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक तो उनकी अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर है, वो स्कंदों की अपेक्षा नहीं है। स्कंदों में जो है स्थूल 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 सूक्ष्म, वो एक विवक्षा अलग है। स्थूल जो बात है ना, स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म, ये स्कंदों के भेद है। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि पंच द्रव्यों को ठहरने की ये जगह देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य, ठीक है। अब ये परिभाषा आप कहोगे कि अलोकाकाश में कैसे घटित होगी? तो अलोकाकाश में भली जीव नहीं अवकाश, लेकिन उसको अवकाश देने की क्षमता तो है, हालांकि वहाँ कोई है नहीं, लेकिन न है या नहीं रहे उससे क्या मतलब है? जीवादि द्रव्यों को प्राणमन में जो सहकार होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य जो प्राणमन कर रहे हैं उसको काल द्रव्य की अनेक परिभाषाएं हैं, उसे बनाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024
अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अरना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।